क्लस्टर बॉम्ब और जैसे खार्की पर इस पर इस्तेमाल हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखो मैं ये समझाने को अंजना, दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने क्लस्टर बॉम्ब और एक वैक्यूम बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब जो है जैसे खार्की में इस्तेमाल किया, जिस बॉम्ब से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग मिसाइलें निकलती हैं और जो टॉप अटैक दोनों बनाया, फायर स्टेशन भी और अस्पताल भी, हॉस्पिटल वहां पर भी अटैक किया उन्होंने। सच्चाई है ये मैसिव कैजुअल्टी करता है और इसके अंदर ऊपर से जब अटैक होता है तो ये अलग अलग टारगेट को हिट करता है और बहुत ह्यूमन कैजुअल्टी कर सकता है। और वैक्यूम जो बॉम्ब है उसकी खसूसियत है कि 5 से 6 किलोमीटर के अंदर पूरी ऑक्सीजन को चूस लेता है और ऐसे में जो मास कैजुअल्टी हो सकती है। तो अगर ये रिपोर्ट आई है कि कहीं ना कहीं रूस ने खार्किव के अंदर क्लस्टर बम और एक प्रकार से वैक्यूम बम किए हैं, वो तो एक बड़ी खतरनाक है क्योंकि ये लड़ाई में बहुत कैजुअल्टी करेगा। और इसको कीव में इस्तेमाल किया क्योंकि कीव सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहां पर पॉपुलेशन अभी भी 5 से 10 लाख के करीब लोग हैं, कम से कम 15 लाख लोग वहां से चले गए, तो ऐसे में मास कैजुअल्टी होगी। देखिए अंजना, बहुत क्विकली देखिए, मैं नहीं समझता खार्कीव में या कहीं पे भी अब तक नेपाम या वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है, ऐसी कैजुअल्टीज कहीं देखने को नहीं मिली है। और दूसरा क्लस्टर बॉम्ब भी मैं नहीं समझता अब तक उन्होंने यूज किया है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब का मतलब है सिविल कैजुअल्टीज भी होंगी। हालांकि इसके ईच जो एक छोटी छोटी मिसाइल देख रहे हैं ये भी गाइडेड है, लेकिन कहीं भी ऐसे कंसंट्रेटेड गाइडेड वेपन सिस्टम नहीं जा सकते। तो मैं नहीं समझता इन दोनों का, जब इनका इस्तेमाल होगा तो सिविल कैजुअल्टीज एकदम से यूक्रेन बोलेगा हमारे 1000 सिविलियंस मारे गए, हमारे 1500 सिविलियन घायल हो गए। ऐसा तो कर रहे हैं वो, दावा नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारे, नहीं वो कह रहे हैं रूसी मरोत के हमारे 150 आदमी मरे हैं और हमारे 500 आदमी घायल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो अंजना, इसमें ये भी बात है कि देखो दोनों तरफ से ये चीज लगेगी, रूस कहता हमने इस्तेमाल नहीं किए और यूक्रेन कहेगा इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये तो वक्त बताएगा इस्तेमाल किए या नहीं किए, मगर अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो मैसिव कैजुअल्टी देंगे, कोई शक नहीं है। एक तो क्लस्टर बॉम्ब भी और वैक्यूम बॉम्ब भी, तो ये लड़ाई फिर रुकेगी नहीं। गौरव सावंत, जो सबसे बड़ा डर है ये लड़ाई फिर रुकेगी नहीं, एक ही करके ये न सिर्फ अटैक एस्केलेट कर रहा है बल्कि हथियारों का भी एस्केलेशन है। गौरव, हथियारों की बात का एस्केलेशन निश्चित तौर पर है, क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल है, लेकिन क्लस्टर बॉम्ब और वैक्यूम बॉम्ब की जो कैजुअल्टीज, जैसे जलदयाल बहुत सही तरीके से कह रहे हैं कि उतनी ज्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज कहीं नोटिस नहीं की गई है, वरना एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय आउटक्राई सिविलियन कैजुअल्टीज को, नॉन कॉम्बैटेंट्स को लेकर होता, जो इस समय नहीं है। ये केवल इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि रूस इस तरह के हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहां यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसने 6000 रूसी सैनिक मार दिए हैं, जिसका रूस कह रहा है कि नहीं हमारे लगभग 500 सिपाही मारे गए हैं। रूस का ये, यूक्रेन का ये भी दावा है कि करीब 62 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं, रूस इसको पूरी तरह से इसका खंडन कर रहा है। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि 8 दिनों में वो 63 किलोमीटर वाला कॉन्वॉय अभी नहीं पहुंच पाया है, उसको भी इंगेज किया जा रहा है अलग अलग जगह, और दोनों तरफ से बहुत फियर्स ऑपरेशंस चल रहे हैं। आज एक खबर और आई अब से थोड़ी देर पहले कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एक खेप उसकी पहुंच गई है और उससे यहां पर मनोबल काफी बढ़ा है। कुछ जगहों पर जहां हम कल और परसों रिपोर्ट कर रहे थे जहां उनके पास सिर्फ मोलोटोव कॉकटेल्स और छोटे हथियार थे, आज उन जगहों पर भी जो सीमा, जो कीव की सीमा के पास के इलाके हैं, उनके पास कुछ बड़े हथियार जैसे मशीन गन नेस्ट वहां पर अब बनने लगे हैं। तो जैसा जैसा हमारे सैन्य विशेषज्ञ आपको स्टूडियो में बताएंगे कि जब मिलिट्री, जब मशीन गन नेस्ट हाईवे पर बनने लगते हैं और जब ATGM का वहां पर इस्तेमाल होने लगता है या उसके लिए अलग जगह निर्धारित होती है, जब ट्रेंचेस खुदने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं कीव की सुरक्षा के लिए बहुत कारगर कदम अलग अलग एक्सेस पर बनाए जा रहे हैं। उसका तोड़ भी रूस के पास है, उसके एयरबोर्न ऑपरेशंस शुरू होंगे और उसके लिए कई बिल्डिंग्स के ऊपर, ऐसा कहा जा रहा है, मैंने देखा नहीं है, कई बिल्डिंग्स के ऊपर एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भी लगा दिए गए हैं। तो अब देखना यह होगा कि अब जब परस्पर लड़ाई शुरू होगी कीव के कंट्रोल के लिए, तो एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा कारगर साबित होता है या अटैक सिस्टम ज्यादा कारगर साबित होता है। ये गौरव, गौरव एक मिनट, गौरव देखिए कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो कॉलम आ रहा था, जो ये आर्मी आ रही थी नॉर्थ से, इसकी कोई बड़ी कैजुअल्टीज की पिक्चर्स नहीं आई है अब तक तो, और वो नेचुरली इतना डिले लेता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ये जो आज की वार्तालाप चल रही है और इसी को सक्सेसफुल करने के लिए
रशिया ने उस कॉलम को स्लो किया है, और जो मैक्रोन की स्टेटमेंट है, इन दोनों को लगा के कुछ ऐसा लगता है कि कोई अंदर कोई रियली कोई कंस्ट्रक्टिव टॉक चल रही है, उसका कोई समाधान निकलने वाला है, इसलिए रशिया ने स्लो किया, क्योंकि अगर इतनी कैजुअलिटी होती, देखिए गौरव बातचीत को लेकर कितने कैसे संकेत मिले, पूरी आर्मी की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती ना गौरव बातचीत को लेकर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहाँ के जो टैक्टिकल मिलिट्री कमांडर से भी आप बात कीजिए तो वो सभी चाहते हैं कि मास कैजुअलिटीज ना हो और बातचीत से हल निकले, लेकिन क्या होगा हल? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को की तख्ता के का तख्ता पलट, ये लक्ष्य है व्लादिमीर पुतिन का। यहाँ की सेना को डीमिलिटराइज करना, ये लक्ष्य है व्लादिमीर पुतिन का। अगर दोनों को हासिल किए बिना रूस की सेना वापस जाती है तो क्या व्लादिमीर पुतिन या रूस अपने आप को एक बड़ी महाशक्ति कह पाएंगे विश्व में, जो एक पड़ोसी देश में तख्ता पलट नहीं कर पाए और संधि करनी पड़ी? अगर एक बहुत ताकतवर देश और एक बहुत कमजोर देश के बीच संधि होती है तो ये तो ताकतवर देश की हार क्या जल दयाल नहीं समझी जाएगी अगर तख्ता पलट नहीं हुआ या डीमिलिटराइजेशन नहीं हुआ? तो ये देखना होगा कि व्लादिमीर पुतिन संधि को मानेंगे, जैसे टैक्टिकल गेम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। गौरव एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं? धन्यवाद आपका, ब्रेक का टाइम हो गया सर, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ वॉर रूम में जुड़ने के लिए। लेकिन एक के बाद एक ये जो बमबारी हो रही है वो यूक्रेन के नेटो के सपने पर भी व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, ये उन्हें गवारा नहीं है, और इसीलिए ये युद्ध आप देख रहे हैं इस वक्त रूस यूक्रेन।